डिजिटल पेमेंट सिस्टम को जिले और तालुका स्तर तक पहुंचाने के लिए नीति आयोग का मिशन मोड में काम शुरू। हर जिले को डिजिटल पेमेंट प्रोत्साहित करने के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपए, डीएम को भी मिलेगा इंसेंटिव। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए पेट्रोल पंपों ने लगाई क्लास। देश में 53,000 से ज्यादा पेट्रोल पंप आउटलेट्स पर डिजिटल पेमेंट की सुविधा। रोजाना होता है 2,000 करोड़ का कारोबार। दूसरे चरण में 18,000 एलपीजी गैस सेंटर्स पर भी डिजिटल पेमेंट की तैयारी। छुट्टे की किल्लत दूर करने के लिए आरबीआई जारी करेगा 20 और 50 रुपए के नए नोट। पुराने नोटों को बंद करने की कोई योजना नहीं। साल 2016 की सीरीज में छापे जाएंगे ये नए नोट। और घरेलू स्टील कारोबार को संरक्षण देने के लिए सरकार ने मिनिमम इंपोर्ट प्राइस की सीमा 4 फरवरी तक बढ़ाई। 19 उत्पादों पर 643 से $752 प्रति टन के बीच लगती है ड्यूटी।